श्री संकल्प की ऑनलाइन टेक्निकल थ्योरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास रहेगी वो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दोनों के विद्यार्थियों के लिए रहेगी। इलेक्ट्रिशियन के लिए ये क्लास टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो, DRDO, ISRO एवं अन्य एग्जाम्स के लिए उपयोगी है, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यह क्लास ISRO, दिल्ली मेट्रो, DRDO के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और इस क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम हम बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा के बारे में, और वो बात करते हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक रहेगा। नंबर सिस्टम के टॉपिक में हम बात करेंगे बाइनरी, हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्याएं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो कैलकुलेटर है, वह केवल और केवल बाइनरी भाषा को समझता है। जिस दार्शनिक भाषा जिसमें 10 अंक 0 से लेकर जो 9 तक जो अंक होते हैं, उस भाषा को कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है वह होती है 0 और 1 के रूप में, और उस भाषा को कहते हैं बाइनरी। जब हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के लिए हम लोग कह सकते हैं, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जो बाइनरी है द्विआधारी। द्विआधारी का मतलब है इसमें आधार कितना होगा, आधार होगा 2। बाइनरी का आधार कितना होगा, 2। आधार 2 होने का मतलब है इसमें 2 अंक 0 व 1 होते हैं जिन्हें बिट कहते हैं। बाइनरी में 2 अंक 0 व 1 होते हैं जिन्हें बिट कहते हैं, यानी कि बाइनरी की सबसे छोटी इकाई क्या है, 0 और 1, और जिन्हें हम किस नाम से जान रहे हैं, बिट के नाम से। तो हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बाइनरी की सबसे छोटी इकाई, बाइनरी की सबसे छोटी इकाई बिट के नाम से जानी जाती है। और यहां 2 बिट है, 0 और 1। इन 0 और 1 का मतलब क्या है, जब मैं बात करूं 0 के मतलब की, तो 0 का मतलब होता है निम्न, निम्न से ले सकते हैं, असत्य से ले सकते हैं, गलत से ले सकते हैं, बंद स्विच से ले सकते हैं, यानी जितने भी नेगेटिव चीजें हैं वो सब की सब 0 के द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे स्विच बंद है तो उसको 0 से लिखा जाए, जैसे सिग्नल लो है उसको 0 से लिखा जाए, जैसे कहीं भी बात गलत है तो उसको 0 से लिखा जाए। ये सभी के सभी किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, 0 के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं 1 के मतलब की, तो 1 का मतलब जस्ट इसका उल्टा, उच्च, सत्य, सही, ऑन स्विच, ये सभी 1 के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। देखिए, बाइनरी में 2 बिट 0 और 1 होते हैं। 0 का मतलब होता है निम्न, असत्य, गलत या बंद स्विच, और 1 का मतलब होता है उच्च, सही, सत्य और ऑन स्विच। अब हम बात करते हैं कि ये जो बिट्स है,
अगर इन बिट्स को साथ में रखें तो किनका निर्माण होगा? देखिए बच्चों, अगर मैं चार बिट्स को एक साथ रखूं तो चार बिट्स का समूह है, समूह है, निबल के नाम से जाना जाता है। चार बिट्स का समूह है, किस नाम से जाना जाता है? निबल के नाम से। जैसे कि मैंने यहां पर चार बिट्स रखे 1011, ये चार बिट साथ में है। अगर चार बिट साथ में है तो ये किसके द्वारा? निबल के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे। चार बिट्स का समूह ही क्या कहलाता है? निबल कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आठ बिट्स का समूह है, आठ बिट्स का समूह है क्या कहलाता है? बाइट कहलाता है। आठ बिट्स का समूह है, बाइट कहलाता है। अगर आठ बिट को एक साथ रख दिया जाए तो वह बाइट को प्रदर्शित करते हैं। एक चीज विशेष ध्यान दें, बिट को लिखने के लिए मैंने यहां पर छोटे बी का प्रयोग किया है, स्मॉल बी आई टी। बाइट को लिखने के लिए मैंने यहां कैपिटल बिट का प्रयोग, कैपिटल बी का प्रयोग किया है, बी वाई टी ई। अब आप ध्यान रखें, मैं जब नोटेशन लिखूंगा तो ऐसी स्थिति में, जैसे मैंने लिखा एक के स्मॉल बी, तो इसका जो मीनिंग होगा एक किलो बिट। और अगर मैं लिखता हूं एक के कैपिटल बी, तो इसका मीनिंग होगा एक किलो बाइट। देखिए वापस देखना, ए के स्मॉल बी, के का मतलब किलो और बी का मतलब बी बिट, स्मॉल बी का मतलब बिट लेना है, कैपिटल बी का मतलब क्या लेना है? बाइट। अब मैं कुछ लिखने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या? बाइनरी के सिस्टम में के का मतलब होता है किलो, के का मतलब होता है किलो, जिसे लिखा जाता है, जिसे लिखा जाता है, एक मिनट, के का मतलब होता है किलो, जिसे लिखा जाता है 2 की घात 10 से। बाइनरी में के का मतलब किलो होता है, जिसे 2 की घात 10 से लिखा जाता है। एम का मतलब होता है मेगा, जिसे लिखा जा सकता है 2 की घात 20। जी का मतलब होता है गीगा, जिसे लिख सकते हैं 2 की घात 30। टी का मतलब होता है टेरा, जिसे लिखा जाता है 2 की घात 40। तो यहां पर ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए कि के का मतलब हमारे, हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किलो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और किलो का मतलब हो गया 2 की घात 10, जिसे आप 1024 भी कह सकते हैं। एम का मतलब मेगा, मेगा 2 की घात 20, 2 की घात 20 है, यानी कि 10+10, यानी 2 बार आप किलो कह सकते हो, 1024 × 1024। जी का मतलब है गीगा, गीगा मतलब 2 की घात 30, जिसको 10 10 10 3 बार लिखा जा सकता है, 2 की घात 10 × 2 की घात 10 × 2 की घात 10, 1024 × 1024 × 1024। टेरा का मतलब 2 की घात 40, यानी इसको हम 4 बार 10+10+10+10 लिख सकते हैं। कहने का मतलब 2 की घात 10 × 2 की घात 10 × 2 की घात 10 × 2 की घात 10, यानी 4 बार 1024 × 1024 × 1024 × 1024। जैसे कि मेरे पास यहां पहला है, पहला मेरे पास है एक के बी, एक के बी, जिसको आप कह सकते हो एक किलो बाइट।
एक केबी जिसे एक किलोबाइट कहा जा सकता है, बच्चों ये क्या होगा? 2 की घात 10 बाइट। एक केबी को क्या लिख सकते हो? 1 किलोबाइट, जो कि क्या होगा? 2 की घात 10 बाइट। और 2 की घात 10 को क्या लिखा जा सकता है? 1024 बाइट। ध्यान रखे, 2 की घात 10 का मतलब होता है 2 10 बार गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 10 बार होगा और गुणा करने पर कितना आएगा? 1024 बाइट। एक चीज और ध्यान दे, ये मैंने बाइट लिखा है, अगर इस बाइट को भी बिट में लिखना हो तो ऐसी स्थिति में 1024 गुणा 8 बिट, बिट्स, बाइट्स, ओके। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं 1 MB, तो इस 1 MB का मतलब होगा 1 MB। मेगा बाइट है, इसका मतलब आपके पास हो गया 2 की घात 20। मैंने बताया मेगा का मतलब होता है 2 की घात 20 बाइट। आप चाहे तो इसको ऐसा भी ले सकते हैं, 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 बाइट। आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1024 गुणा 1024 बाइट्स। आप चाहे तो इसको यह भी लिख सकते हैं 1024, ये तो है। और जो 1024 बाइट्स है, इसका मतलब होता है 1 KB, तो आप इसको केबी में भी लिख सकते हैं। एक बार वापस देखिए, बाइनरी जिसका मतलब होता है द्वि आधारी संख्याएं, जिसका आधार 2 होता है, इसमें 2 अंक 0 और 1 होते हैं जिन्हें बिट कहते हैं। बाइनरी की सबसे छोटी इकाई ही बिट कहलाती है, क्योंकि बाइनरी में केवल 2 ही अंक 0 और 1 होंगे, और 0 और 1 को ही हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। जिसमें 0 का मतलब होगा निम्न से, असत्य से, गलत से, बंद स्विच से, 1 का मतलब होगा उच्च से, सही से, सत्य से, ऑन स्विच से। और हमें ध्यान में रखने वाली बात है, 1 4 बिट्स का जो समूह होता है उसे हम निबल के नाम से जानते हैं, 8 बिट्स के समूह को हम बाइट्स के नाम से जानते हैं। और जब ऐसा लिखा जाए 1 कैपिटल K स्मॉल b, इसका मतलब होता है 1 किलो बिट, और जब 1 कैपिटल K कैपिटल b, इसका मतलब होता है 1 किलो बाइट। और हम कह सकते हैं 1 कैपिटल K कैपिटल b 1 किलो बाइट है। किलो को K से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब 2 की घात 10। मेगा को M से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब 2 की घात 20। गीगा को G से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब 2 की घात 30। टेरा को T से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मतलब 2 की घात 40। और आप लोग देखिए, जैसे मैंने लिखा 1 KB, K का मतलब किलो, किलो का मतलब 2 की घात 10 बाइट्स। 2 की घात 10 में लिखता हूं तो कितना आ जाता है? 1024 बाइट्स। और आपको पता है 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। इसको बिट में लिखने के लिए किससे गुणा कर सकते हो? 8 से गुणा कर सकते हो। बिट्स है ही, ये बाइट नहीं है, बिट्स है। और एमबी की बात करें तो 1 MB का मतलब होता है 1 MB, 2 की घात 20 बाइट्स, जिसको आप 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 बाइट्स कह सकते हैं, यानी 1024 गुणा 1024 बाइट्स, जिसको आप लिख सकते हो 1024 KB। इसके बाद अगला हम देखते हैं इसी में। इसी प्रकार से हमारे पास अगर GB में है अगर हमारे पास GB में है अगर ये दे रखा है 1 GB, तो हम लोग कह सकते हैं 1 GB, जिसको है 1 GB, और ऐसा कहा जा सकता है 2 की घात
30 बाइट। 1 GB का मतलब है 1 GB, जिसे लिख सकते हैं 2 की घात 30 बाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 की घात 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 10 बाइट। इसको 2 की घात 10 को क्या लिख सकते हो, 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स। अभी भी देखा था 1024 बाइट्स का मतलब होता है 1 KB, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1024 गुणा 1024 KB। और अभी भी देखा था 1024 बाइट्स का केबी का मतलब होता है 1 MB, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1024 MB। तो देखिए 1 GB का मतलब 2 की घात 30 बाइट्स, 1 GB का मतलब 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट्स, और 1 GB का मतलब 1024 गुणा 1024 KB, और उसी 1 GB का मतलब हो गया 1024 MB। सेम इसी प्रकार से मैं बात करूं 1 TB की, 1 TB का मतलब होता है 1 TB। और इसी प्रकार से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1024 GB। जिस प्रकार मैंने 1 GB में 1024 MB लिखा है, उसी प्रकार 1 TB में 1024 GB, और जीबी का मतलब क्या होता है आगे आपके पास मेंशन है, उनको आप गुणा में कर सकते हो, गुणा कर सकते हो। तो एक बार वापस देखिए 1 GB का मतलब 1 GB, जिसका मतलब होता है 2 की घात 30 बाइट। 2 की घात 30 को 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं, क्या क्या, 2 की घात 10, 2 की घात 10 और 2 की घात 10। आपको पता होगा गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है, तो 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमारे पास 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट, जिसको आप लिख सकते हो 1024 गुणा 1024 KB, और इसको लिखा जा सकता है 1024 KB को लिख सकते हैं MB, यानी कि 1 GB में 1024 MB और 1 TB में 1024 GB होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि दशमिक संख्याओं को बाइनरी संख्याओं में किस प्रकार से परिवर्तन करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा दशमिक संख्याएं डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस प्रकार से परिवर्तित करें, उसके बारे में। देखिए पॉइंट हमारा है, दशमिक संख्याओं को बाइनरी में परिवर्तित करना। पॉइंट हमारा है दशमिक संख्याओं को बाइनरी में परिवर्तित करना। दशमिक का मतलब डेसिमल, और बाइनरी मैंने इंग्लिश में लिखा है, वैसे हिंदी में द्विआधारी आधारी कह सकते हैं हम इसे। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 30 दशमिक संख्या है। देखो दशमिक है, दशमिक का मतलब जिसमें 10 अंक 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक होते हैं, वो दशमिक संख्या है। 30 दशमिक संख्या में है, और इसको हमें परिवर्तित करना है बाइनरी में। किसमें परिवर्तित करना है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब है द्विआधारी, जिसका आधार क्या हो, 2। देखो आपको बाइनरी में जब भी परिवर्तित करना है, हमें सबसे पहले गिनती की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। यहां आधार 2 है, तो आप इसको 2 से गुणा करते हुए लिखिए 2, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8,
8 का दुगना 16 और 16 का दुगना 32 हो जाता है। जब भी अधिक हो जाए न लिखें। वापस ये करना, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला अक्षर एक, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16 और 16 का दुगना क्या हो जाता है 32। 32 हमारी संख्या से बड़ा हो गया तो न लिखें, केवल 16 तक ही लिखना है यहां पर। अब हमें चेक करना है, देखो दो प्रकार से चेक कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अब हमें चेक करना है ये जो 30 है निम्न में से किसकी संख्या का जोड़ होगा। चेक कीजिए 16 8, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। 30 का जोड़ बनाने के लिए हमें 16 की जरूरत हुई, हमें 8 की जरूरत हुई, हमें 4 की जरूरत हुई, हमें 2 की जरूरत हुई, हमें 1 की जरूरत नहीं हुई। तो जिसकी जरूरत नहीं हुई उसको तो लिखे 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था नहीं का मतलब 0 और हाँ का मतलब, सही का मतलब क्या होता है 1। तो जिनकी जरूरत होती है जोड़ बनाने में उन्हें 1 लिखें, जिसकी जरूरत नहीं है उसे क्या लिखें 0। पहला तरीका वापस सुनना, आपको क्या करना है 1 2 दुगना करना है, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब आपको चेक करना है, देखो 16 से आगे मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारी संख्या 30 है, अगर 16 का दुगना लेता हूं तो 32 आ जाता है, 32 हमारी संख्या से बड़ा हो गया उसका उपयोग नहीं है। अब 30 की बाइनरी लिखनी है तो आपको चेक करना है इनमें से किस किस का जोड़ 30 होगा। तो 16 और 8 24, काम में आ रहे अभी ज्यादा नहीं हुआ, 24 और 4 28, अभी भी ज्यादा नहीं हुआ मतलब इसको काम में लिया हमने, और 28 और 2 30, इसको भी काम में लिया। जिनको काम में लिया उनको 1 लिखें, जिसे काम में नहीं लिया उसको क्या लिख दें 0। इसी प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको लिखना है 34 की बाइनरी लिखनी है, तो आप क्या करोगे, तरीका वही, ये बाइनरी है, ये जो बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 प्रदर्शित करता है कि ये आधार 2 है, और शुरुआत करेंगे 1 से, 1 2 4 8 16 32, 32 का दुगना 64 होता है तो 64 नहीं ले क्योंकि हमें 34, हमारी संख्या 34 है, 64 34 से क्या हो जाएगा बड़ा। अब हमें चेक करना है कि ये 34 इसमें किस किस का योग होता है। देखो 34 का जोड़ बनाने के लिए 32 तो बड़ा ही बड़ा चाहिए, 32 में क्या जोड़े 34 आ जाए, 16 जोड़े, 8 जोड़े, 4 जोड़े, अगर मैं 16 8 4 जोड़ता हूं तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्या जोड़ू 2 जोड़ू, 32 और 2 34 हो जाते हैं। बाकी की संख्याएं क्या काम में नहीं आ रही, हमारे 32 और 2 ही काम में आ रहा है, तो जो काम में आ रहा है उन्हें 1 लिखे, जो नहीं काम में आ रहा है उन्हें क्या लिख दें 0 लिखे। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन, मान लीजिए आपको 65 की बाइनरी लिखनी है, किसकी बाइनरी लिखनी है 65 की बाइनरी लिखनी है, तो ऐसे ऐसी स्थिति में आधार तो 2 ही है, आधार तो 2 ही है, आपको वही काउंटिंग 1 2 4 8 16 32 64 और 64 का दुगना 128 हो जाता है जो कि हमारी संख्या से ज्यादा है, अतः उसे नहीं लिखेंगे। अब चेक करते हैं कि ये 65 किस किस का जोड़ होता है, सबसे बड़ी आसान है 64 प्लस 1 65, 64 में 1 जोड़ने पर 65 बन जाता है, तो जिन जिनको काम में ले उन्हें 1 लिख दे, बाकी बची हुई संख्या को क्या लिखें 0 लिखें, जिन जिनको काम में ले उन्हें 1 लिखें, जिनका उपयोग नहीं है उन्हें क्या लिखें 0 लिखें। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए मुझे 100 दशमिक में है और इसे बाइनरी में लिखना है, 100 दशमिक में है, मैं नीचे लिख देता हूं, 100 दशमिक में है इसे बाइनरी में लिखना है, लिखने का तरीका वही 1 2 4 8 16 32 64, 128, 64 का दुगना 128 हो जाता है, इसलिए 128 न लिखें।
अब आपको चेक करना है कि इनमें से किस किस का जोड़ 100 होगा। तो सबसे पहले 64 और 32 का जोड़ होता है 96। 64 में 32 जोड़ने पर 96 आ जाता है। अब 96 को 100 बनाना है, कितना जोड़ोगे? 4 जोड़ेंगे, तो 4 का इस्तेमाल करेंगे तो 4 आ गया। इसके अलावा 16, 8, 2, 1 इनका इस्तेमाल नहीं हुआ, तो जिनका इस्तेमाल नहीं हुआ उन्हें 0 लिखें और जिसका इस्तेमाल हो गया उसे 1 लिखें। मान लीजिए आपको 520 दशमिक संख्या में है और इसे बाइनरी में लिखना है। 520 दशमिक संख्या में है और इसे बाइनरी में लिखना है, तो ऐसी स्थिति में तरीका वही 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। दुगना करते हुए चलिए, अब आपको क्या लिखना है, 520 लिखना है, तो ऐसी स्थिति में 520 बनाने के लिए 512 और किसकी जरूरत पड़ती है, 8 की जरूरत पड़ती है, तो 8, 512 और 8 को 1 लिखें, इनके अलावा जिनका उपयोग नहीं हुआ है उन्हें क्या लिखें, 0 लिखें। 0 कैसे, 256 0, 128 भी 0, 64 भी 0, 32 भी 0, 16 भी 0, 4 भी 0, 2 भी 0, 1 भी 0। एक बार वापस देख लीजिए एग्जांपल्स। आपको 30 को बाइनरी में लिखना है, आधार 2 है, शुरुआत करेंगे 1 से, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब देखना है आपको कि 30 किस किस का जोड़ होगा, तो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30। बाकी अन्य जो 1 बचा है इसका जोड़ में इस्तेमाल नहीं किया, तो ये 0 और बाकी ये क्या आ गए, 1। इसी प्रकार से 34 का लिखना है, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32। 34 किस किस का जोड़ होगा, 32 और 2 का जोड़ 64 है, बाकी अन्य काम में नहीं आ रहे तो उन्हें क्या लिख दें, 0 लिखें। इसी प्रकार से 65 की आपको बाइनरी लिखनी है, आधार 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। 65 किस किस का जोड़ हो सकता है, 64 और 1 का जोड़ 65 है, बाकी काम में नहीं आ रहे तो उन्हें क्या लिखा जाए, 0 लिखा जाए। इसी प्रकार से आपके पास आपको 100 की बाइनरी लिखनी है, वही पैटर्न रहेगा। आपको 520 की बाइनरी लिखनी है, वही पैटर्न रहेगा, सेम पैटर्न पे ही चलता जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। केवल और केवल दशमिक संख्याओं को बाइनरी संख्या में परिवर्तित करना आज हमने देखा। कल की क्लास में इसको आगे देखेंगे, बाइनरी संख्याओं को दशमिक संख्याओं में जाने की, बाइनरी संख्याओं को दशमिक संख्याओं में कैसे परिवर्तन करें, बाइनरी जोड़ कैसे करें, बाइनरी बाकी कैसे करें, बाइनरी संख्याओं का वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें और बाइनरी संख्याओं का ट्वाइस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें, इसके बारे में जानकारी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।